आओ पढ़ें पाठ 18, कोई अमर नहीं, नन इज इमॉर्टल। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया करें, उसे जीवित कर दीजिए। बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवन दीजिए प्रभु। मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक ना एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। भगवान, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस। अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन क्या प्रभु? सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। आहा, ये हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान। भैया, एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं? यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त हैं। ओह, कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। क्या कहा, कोई मरा नहीं है? चार चार जवान बेटों की लाशें देखी हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? आज 2 दिन हो गए, परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मौत ना हुई हो। चलूं महात्मा बुद्ध के ही पास। भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं। बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम